का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बी एड बच्चे प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बी एड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। बी एड फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर का नाम है वह अधिकृतता के रूप में विकास यानी ग्रोविंग अप एज ए लर्नर। हम अपने आज इसी पेपर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अधिगम के प्रकार, यानी कि अधिगम के कितने प्रकार हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के सिद्धांतों, विधियों, सामग्री आदि को ध्यान में रखते हुए अधिगम के प्रकारों का वर्गीकरण किया है, यानी कि उसकी जो विधिया है, उसके जो सिद्धांत है, उन सभी को विशेष रूप से ध्यान में रखा है और तभी इसका वर्गीकरण किया है। यह वर्गीकरण कथित वर्णित निम्न प्रकार है। एक वर्गीकरण के अनुसार अधिगम के तीन प्रकार बताए गए हैं। कितने? तीन प्रकार। यानी कि नंबर एक है ज्ञानात्मक अधिगम। कौन सा? नंबर एक ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक अधिगम। इस अधिगम के अंतर्गत ज्ञानोपार्जन संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। यानी कि ज्ञानात्मक अधिगम में जितनी भी ज्ञान प्राप्त करने वाली क्रियाएं हैं, यानी कि बालक बहुत सारे ऐसे अधिगम करते हैं जिनमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह सभी प्रक्रियाएं ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आती है। यानी कि जो यह अधिगम है इसके अंतर्गत जो ज्ञानोपार्जन संबंधी समस्त क्रियाएं हैं वह आती है, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने वाली इसके अंतर्गत आती है। नंबर एक प्रत्यक्षात्मक अधिगम, यानी कि ए प्रत्यास्मातक पक्षात्मक अधिगम, जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से यह ब्लैक बोर्ड है, इसको हमने छुआ, इसको देखा, इसके किसी चीज के बारे में हमने सुना और उसका हमें ज्ञान प्राप्त, उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। यह एक मानसिक क्रिया है, इसमें व्यक्ति इंद्रियों की सहायता से वस्तु पदार्थ घटना या तथ्यों को जानने की क्रिया करता है, क्योंकि जो प्रत्यक्षात्मक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत क्या है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इस ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया में जो मनुष्य होता है वह तथ्यों को देखकर, उनको जानकर, उनके बारे में सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करता है। नंबर दो है संप्रत्यात्मक अधिगम। संप्रत्यात्मक अधिगम, जब किसी वस्तु को देखकर उसके संबंध में धारणा बनाकर अधिगम किया जाता है। यानी कि हमने कोई वस्तु देखी और उसके संबंध में हमने कोई भी धारणा बना ली, तो ऐसी प्रकार से जब सीखा जाता है, अधिगम किया जाता है, तो उसे संप्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति को तर्क, कल्पना और चिंतन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, हमने कोई चीज देखी, ये फैन लग रहा है, अपने फैन के बारे में देखा, हाँ भाई फैन है, हमने इसके लिए तर्क किया कि इसमें अंदर क्या होगा, इसमें तार है, ये उससे चलता है, यह जब चलता है हमें ठंडी हवाई देता है, तो क्या हुआ, हमने इस प्रकार से उसका अधिगम किया। और यह अधिगम हम क्या किस लिए करते हैं, यानी कि जो इस प्रकार का अधिगम होता है उसमें जो व्यक्ति होता है वह तर्क करता है, अपनी कल्पना करता है और कल्पना और अपना ही चिंतन करता है, उनका सहारा लेना पड़ता है इस अधिगम को करने के लिए। फिर नंबर तीन पर आता है सहचर्यात्मक अधिगम। सहचर्यात्मक अधिगम, जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है, यानी कि पुराना ज्ञान है, अपना
अपना अनुभव है और हम उसके द्वारा किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो उसे सहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जो चीज हमने पहले देखी है अगर हम उस चीज को देखी हुई चीज को भूल गए तो फिर हम यानी कि अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो सहचर्यात्मक अधिगम है उसमें स्मृति का विशेष रोल होता है, या ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इस प्रकार का जो अधिगम होता है वह जो पुराना ज्ञान है उसके जो पुराने अनुभव है उन्हें किसी तथ्य को सीखा जाता है। फिर रसानुभूति प्रक अधिगम, कौन सा डी नंबर है, रसानुभूति परक अधिगम। जब व्यक्ति संवेगात्मक अनुभूति से सीखता है यानी कि अपने संवेगों की जो अनुभूति है उसको जो ज्ञान होता है उससे सीखता है तो वह रसानुभूति परक अधिगम कहलाता है। भावात्मक वर्जन या परिचय से अभिभूत होकर व्यक्ति सौंदर्य बोध संबंधी गुणों को सीखता है। क्या करता है वह भावात्मक वर्जन, यानी कि जो भावात्मक वर्जन है किसी की चीज को भान के भावना के अंतर्गत बहकर या किसी से परिचय प्राप्त करके उनसे अभिभूत होकर व्यक्ति सौंदर्य बोध संबंधी जो गुण होते हैं यानी किसी चीज की सुंदरता के जो गुण होते हैं उनको सीखता है। अब नंबर दो पर आता है संवेगात्मक अधिगम। पहले कौन सा था, ज्ञानात्मक अधिगम, अब नंबर दो पर आता है संवेगात्मक अधिगम। जब संवेदनशील क्रियाओं के द्वारा सीखना होता है तो उसे संवेगात्मक अधिगम कहते हैं। इस प्रकार के सीखने में नामक क्षमताओं का परीक्षण होता है यानी कि कुछ चीजों का परीक्षण होता है। इसमें व्यक्ति द्वारा वर्णित प्रकार के कौशल अर्जित किए जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वह कुछ यानी कि व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशलों को प्राप्त किया जाता है यानी कि किसी कार्य को करने की कुशलता प्राप्त की जाती है, जैसे तैरना, पेड़ पर चढ़ना, चित्र बनाना, साइकिल चलाना इत्यादि। इसके हमारे जो आशुबैल महोदय हैं, उन्होंने भी अधिगम के चार प्रकार बताए हैं। फिर आता है नंबर तीन पर गामक अधिगम, यानी कि पहला हमने कौन सा किया था, ज्ञानात्मक अधिगम, नंबर दो है संवेदनात्मक अधिगम और नंबर तीन पर है गामक अधिगम। जब सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है यानी कि हम किसी चीज को सीख रहे हैं और अपने जो अंग है उन पर यानी कि नियंत्रण करने की यानी किसी काम को करने की जो गति होती है उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है उसे गामक अधिगम कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में समस्त शारीरिक कुशलताओं के कार्य सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे देखना, बैठना, चलना, फिरना, उठना आदि, क्योंकि हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाने की जो गति है उसको नियंत्रण करना, ये सभी प्रकार के ऐसे
उसमें गामक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत है नंबर एक है सरल अधिगम, नंबर एक है यानी कि ए सरल अधिगम। जब व्यक्ति स्वयं रूप यानी कि स्वयं रूप से अपने आप अपनी अनुभूतियों से सीखता है तो उसे सरल अधिगम कहते हैं। यानी कि क्या हुआ, बालक व्यक्ति आग को छूकर यह सीख लेता है कि उसे आग से दूर रहना चाहिए। यानी कि स्वयं अनुभूति करने के बाद जब व्यक्ति किसी चीज को सीख लेता है, हम मान लीजिए कि यहाँ पर आग जल रही है, हमने उसमें उंगली दी तो हमारा हाथ जल गया और हमने वो हटा लिया, तो व्यक्ति इस चीज को सीख गया कि अगर हम उसमें हाथ देंगे तो हमारा हाथ जलेगा। इसीलिए उसने क्या काम किया, स्वयं रूप से अपने आप अपनी अनुभूतियों से सीखा। नंबर दो है कठिन अधिगम, बी नंबर है, यह कठिन था सरल था और यह कठिन अधिगम। जब व्यक्ति के सीखने में क्रियाएं अधिक कठिन और जटिल होती है तो उसे कठिन अधिगम कहते हैं। जैसे संगीत में राग अलाप आदि को सीखना, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है वह बहुत ही कठिन होती है, इन्हें सीखने के लिए बहुत कठिनाई महसूस होती है। अब संगीत की बात कीजिए, संगीत कहते तो है कि भाई हर आदमी गाना गा रहे हैं, लेकिन संगीत अपने आप में एक कला है, साधना है, उसके जो राग अलाप है वह बहुत ही कठिन होते हैं, उनको सीखना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। नंबर तीन है आकस्मिक अधिगम, जब व्यक्ति आकस्मिक रूप से कुछ सीखता है तो उसे आकस्मिक अधिगम कहते हैं। यानी किसी चीज को अचानक से सीख लिया, इसमें व्यक्ति को सीखने के लिए अतिरिक्त संगठित और योजनाबद्ध प्रयास नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आदमी चलता चलता किसी की बातें सुनकर भी आराम से सीख जाते हैं। जैसे परस्पर वार्तालाप के अंदर कोई नई बात सीखना, अब दो चार व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो आपस में जो समूह चर्चा हो रही है उनमें से एक व्यक्ति उनकी बातों को सुनकर अपने आप में परिवर्तन लाता है और उनसे अच्छी चीजें सीख लेता है, यह आकस्मिक अधिगम के अंतर्गत आता है। नंबर चार है उद्देश्यपूर्ण अधिगम, यह व्यक्ति जानबूझकर सचेत होकर योजना बनाकर सीखने का प्रयास करता है। यानी कि जब व्यक्ति किसी चीज को जानबूझकर, अब छोटे बच्चे हैं साइकिल चलाने का शौक है, बाइक चलाने का शौक है, मैं जानबूझकर उनको उठाते हैं, यानी कि पूरी योजना बनाते हैं, यानी कि जानबूझकर योजना बनाकर सीखने का प्रयास किया जाता है, या ये कह सकते हैं प्रयत्न करते हैं, तो उद्देश्यपूर्ण अधिगम कहते हैं। यानी कि हम अपना उद्देश्य पहले से तय कर लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, आज हमें साइकिल चलाना सीखना है, उसके लिए हम योजना बनाते हैं कि घर में हमें साइकिल इस समय मिलेगी, इस समय हम उठाकर लेके जाएंगे, हम इस रास्ते पर चलाएंगे जिससे कि हमें रास्ते में चलाते समय चोट भी ना लगे, सामने से कोई गाड़ी का खतरा भी ना हो। इसीलिए जो इस प्रकार का अधिगम होता है जिसमें जानबूझकर किया गया अधिगम कार्य है वह उद्देश्यपूर्ण अधिगम कहलाता है। जैसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए किसी योग्य अनुभवी और कुशल शिक्षक के पास जाकर सीखना, क्योंकि जब हम किसी प्रतियोगिता पेपर की तैयारी करते हैं उसके लिए हमारा क्या है उद्देश्य होता है उस चीज को पास करना, और उसके लिए हम पूरी तैयारी करते हैं और उसको पास करने के लिए हम किसी कुशल और अच्छे शिक्षक के पास जाते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं और यह सोचते हैं इससे हमारा क्या होगा पेपर क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, हमारा जो है टॉपिक था अभी और भी रहता है,
अधिगम के जो प्रकार है अलग अलग वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के अलग अलग प्रकार दिए हैं। सो हम अपने आज के टॉपिक को यही समाप्त करते हैं, यही विराम देते हैं। हम अपनी नई वीडियो में इस टॉपिक को दोबारा से कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।